नमस्कार, न्यूज प्लस इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 अहम खबरों पर। ममता बनर्जी ने एसएससी स्कैम मामले में गिरफ्तार पार्थो चटर्जी को मंत्री पद से किया बर्खास्त। संसद परिसर में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा, डोंट टॉक टू मी। राष्ट्रपत्नी शब्द के उपयोग मामले में अधीरंजन चौधरी ने कहा, मैं राष्ट्रपति से मिलकर मांगूंगा माफी। अर्पिता मुखर्जी के साथ जुड़ा टीएमसी के सांसद सौगत राय का नाम। सौगत बोले, मैं किसी अर्पिता को नहीं जानता। मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार, निकाला वैक्सीन बनाने का टेंडर। चीन के वुहान में फिर लौटा कोरोना, नया केस मिलने के बाद शटडाउन। अंडाल सैंथिया लोकल ट्रेन के बॉगी से निकला धुआं, यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल। नोएडा में 11 साल की लड़की को जबरदस्ती घर से बाहर खींचकर मांग में भरा सिंदूर। रणवीर के खिलाफ एफआईआर पर बोले विवेक अग्निहोत्री, क्या महिलाओं के बोल्ड तस्वीरों को लेकर पुरुषों के भावनाओं को ठेस पहुंचती है। सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का सेलिब्रेशन, धवन ने पूछा हम कौन है, तो टीम ने कहा चैंपियन। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी न्यूज प्लस की टीम, लेकिन आप अगर हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।